हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स देखिए, यह है प्लूमेरिया यानी चंपा। तो फ्रेंड्स इन्हीं मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया और अब तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो मैंने कहा कि आज इन्हें निकाल कर कंटेनर में लगा दूं। तो लगातार मेरे यहाँ बारिश हो रही है और अभी जो है बारिश थमी है, तो मैंने कहा कि इन्हें लगा दूँ। तो देखिए, बारिश के बूंदों ने चंपा के पत्तों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। तो इन्हें मैंने कटिंग से लगाया और बहुत ही आराम से इनकी कटिंग लग भी गई और बहुत ही बड़ी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स एक छोटे से पेंट वाले डिब्बे में लगी हुई है। तो प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि जो इनकी रूट्स है मिट्टी के ऊपर आ रही है। देखिए देखिए, ये चारों तरफ जो है इनकी रूट्स बाहर आ गई हैं। तो इन्हें हम निकाल देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनमें जो पहले से एक ज्यूरा का प्लांट लगा हुआ था, और देखिए हमारा एक ज्यूरा का प्लांट कैसा हो गया है चंपा की वजह से। तो बंदरों ने जब इनकी टहनी तोड़कर फेंक दी थी, तो मैं लाकर तुरंत इसमें कटिंग हल्का सा बनाकर जो है इसमें लगा दी और ये लग गए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यूरा की इतनी ज़्यादा रूट्स है या फिर चंपा की। फिर भी कोई बात नहीं, अब तो इन्हें लगाना ही है। अगर हम इन्हें नहीं निकालते हैं तो हमारा एक जोड़ा जो है ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा पौधा है और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। तो अब मैं इन्हें निकालती हूँ, निकाल कर जो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा इसमें रूट्स बनी हुई हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा रूट्स है और मिट्टी को चारों तरफ से ये जो रूट्स है जकड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रूट्स जो है चंपा की ही है। देखिए देखिए, एक छोटे से डिब्बे में इतनी ज़्यादा रूट्स है, इसीलिए तो बाहर आ रही थी फ्रेंड्स। और इन्हें हम बहुत ही सावधानी से अलग अलग करेंगे, ताकि जो है हमारा एक जोड़ा भी बचा रहे और चंपा भी बची रहे, क्योंकि दोनों पौधे बहुत ही प्यारे हैं। वैसे बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, फिर भी जब काम पे लगे हैं तो काम को पूरा पूरा ही करना होगा। देखिए, और बहुत ही आराम से मैंने लगा दिया था, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी चंपा जो है इतनी आसानी से लग जाएगी। देखिए ज़्यादा करके जो है चंपा की रूट्स है। देखिए तो एक जोड़ा तो मैं हटा दे रही हूँ, देखिए, और ये है चंपा। देखिए कितनी ज़्यादा कटने इसमें रूट्स बनी हुई हैं, और बाकी को तो मैंने निकाल दिया है, बस थोड़ी सी रूट्स मैंने मेन रूट्स छोड़ दी है ताकि जो है ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स इन्हें मैं बिल्कुल आसानी से लगाऊंगी, कोई खाद वगैरह नहीं दूंगी। देखिए बिल्कुल नॉर्मल खेत की मिट्टी है, तो इसी में मैं लगाऊंगी, मैं इसमें कुछ भी नहीं मिला रही हूँ। देखिए आप चाहे तो इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर जो है गोबर की खाद, जो भी ऑर्गेनिक खाद है आप मिलाकर जो है लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिलहाल मैं टाडी मिट्टी में लगा रही हूँ। तो इन्हीं मैं इनकी जो रूट्स है थोड़ा थोड़ा निकाल देती हूँ इधर से, इस तरह से निकाल देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है इन्हें आराम से हम रख देंगे इसमें। देखिए तो फ्रेंड्स मैंने रखने के बाद जो है इसमें मिट्टी भी भर दी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और हम भीग भी जाएंगे। अब चलते हैं छांव में, नहीं तो भीग जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं साइड में हूँ और एक जोरा और चंपा के प्लांट को अलग अलग कंटेनर में लगा दी, बहुत अच्छी तरह से लग गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोगनविलिया के सुंदर सुंदर फूल। वैसे बारिश का मौसम है तो बारिश तो होनी ही है ना। तो फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में।